हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आज कुछ बनाने जा रहे हैं, पहले की भांति आज भी कुछ बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत यूनिक चीज़ है। वो कैसे बनाएंगे वो भी दिखाने जा रहे हैं। आज बनाने वाले हैं मैगी। तो मैगी किस स्टाइल में बनाने जा रहे हैं वो भी दिखाने जा रहे हैं। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन में आपको न्यू वीडियो अपलोड मिलता रहे। आज देखिए बोलबम का हम गंजी पहन लिए हैं और दिखाते हैं कि आगे हम मैगी कैसे बनाते हैं और क्या क्या ले रहे हैं उसके लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कॉमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने 2 पैकेट मैगी लिया है। ये मैगी मसाला है, 2 पैकेट है, टमाटर है और ये आधा कटा हुआ पत्ता गोभी। दोनों में से कोई एक डालेंगे और क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो जिनको मैगी पसंद है भाई, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमको अच्छा लगा या तरीका आपका अच्छा लगा। देखिए मैगी बनाने के लिए हमने सारे सामग्री को कर लिया है रेडी। ये मेरा फ्रेश बीन है। देखिए बच्चे लोग तो ऐसे फ्रेश बीन दीजिएगा तो नहीं खाएंगे, इसमें बना के दीजिएगा तो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये भून के गल चुका होगा। और ये देखिए पत्ता गोभी है, ये 2 टमाटर है और देखिए ये 2 मैगी हमने लिया है। देख सकते हैं 2 मैगी है, ये 2 मैगी। अब एक मैगी मसाला है और ये देखिए एक मेरा ये हरा मिर्च है, 2 हरा मिर्च है। इसको देखिए इस तरह से काट लेना है, ठीक है, इस तरह से काट लेना है। और उसके बाद हमें करना क्या है, एक पतीला लेना है और इसको गैस पे, देखिए गैस पे चढ़ा के इसको खोलने तक का इंतज़ार हमको करना है। खोलने के बाद हम क्या करते हैं वो भी आपको विस्तार रूप से दिखा रहे हैं। देखिए इसमें हमने 3 प्याज और ऐड करना है, इसे बारीकी से हमें काट लेना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने प्याज को बहुत बारीकी से ही काट लिया है। आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से प्याज को हम काट लिए हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पानी पूरा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हमें दोनों मैगी को डाल देना है और क्या करते हैं वो भी दिखा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने दोनों मैगी को इसमें बॉयल होने के लिए डाल दिया है। अब इसको करना क्या है, देखिए बॉयल हो चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, गैस ऑफ कर दिए। अब देख सकते हैं अच्छे तरह से देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए इसमें हम छानने के लिए इसको हम डाल चुके हैं, अब बताते हैं क्या करेंगे। तो देखिए अच्छे से छना गया है ये पूरा अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा नॉर्मल होने देते हैं हल्का, उसके बाद क्या प्रक्रिया करते हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, आगे की प्रक्रिया क्या है वो भी हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने 2 चम्मच तकरीबन रिफाइंड डाला है, उसके बाद हम क्या डालते हैं वो भी दिखाते हैं। उसके बाद हम मेरा प्याज जाएगा, इसको थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों देखिए हल्का ये ब्राउन हो गया, अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश बीन। देखिए फ्रेश बीन डला चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ वो भी डाल देते हैं। दोस्तों देखिए हल्का हल्का भी भुना रहा है, अभी अच्छे से और थोड़ा भुनेंगे इसको। देखिए इंडियन रेसिपी दे रहे हैं, मैगी तो चाइना का है लेकिन बना रहा है कि इंडियन, और इंडियन कैसे बना रहा है वो भी अच्छे तरीके से देखिए। अब दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच तकरीबन नमक डालेंगे। तो देखिए 1 चम्मच मेरा नमक ये जा रहा है, स्वाद अनुसार जितना आपको इच्छा है बस, ठीक है। दोस्तों मेरा ये गया गाजर, तो देख सकते हैं गाजर सब अच्छा अच्छा आइटम डाल रहे हैं दोस्तों। हरी हरी है, हरा चीज़ है, ये खाने से स्वस्थ रहिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें जाएगा मेरा पत्ता गोभी, देख सकते हैं ये मेरा पत्ता गोभी। उसके बाद हरी मिर्च जो हमने प्यार से काटा है, अच्छे तरीके से काटा है, वो गया। अब इसको हम मिलाते हैं, थोड़ा देर भूंजेंगे, 1 से 2 मिनट। अब दोस्तों 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये मेरा जो टमाटर हमने कटिंग किया था उसको डाल दिए, इसको थोड़े देर और अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 मिनट भुनाने के बाद अब इसमें हम मेरा मैगी मसाला एक जो हम डालेंगे, एक को हम डालते हैं, पूरे डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे डालने के बाद। देखिए अब एक पूरे डाल दिए, अब इसको हम मिला लेते हैं। इसको मिलाने के बाद तो सेंट तो कुछ अच्छा ही आ रहा है, मतलब उतना भी नहीं लेकिन अच्छा ही आ रहा है, महक अच्छा रहा है। इसमें मेरा
जो छाना हुआ मैगी था, मतलब कि जो बॉयल करके छान दिए थे, अब उसको हम डालेंगे इस प्रकार से। देखिए डाल दीजिए, ये गया मैगी, सारा मैगी अब इसमें चला गया। अब इसको हम मिला के भूंज लेते हैं थोड़े देर के लिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा हम गोल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा, और देखिए थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं, एकदम थोड़ा सा, हल्के हल्के, बस बस हो गया। आगे दिखाते हैं और क्या कर। इसमें मेरा मैगी मसाला जाएगा, दो था, दोनों को हम डाल देते हैं। एक और है, देख सकते हैं दोनों को हमने डाल दिया है, और इसको अच्छे से थोड़े देर मिला लेंगे। तो दोस्तों देखिए कलर कितना यम्मी कलर आया। अगर आप चाहेंगे तो इसमें सूप भी बना सकते हैं, इसमें पानी भी डाल के बच्चे लोग को अच्छे से खिला सकते हैं, और ये सारा सब्जी गल जाएगा तो बच्चे लोग आसानी से खा लेंगे, किरकिर पिट पिट नहीं करेंगे। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, कम किए थे, अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। दोस्तों इसलिए आज बनाना पड़ा, कल बच्चे लोग खाएं तो बोले पापा आज यही चीज़ खाएंगे, बोले चलो कुछ अलग बनाते हैं, कुछ दूसरे ढंग से बनाते हैं, ये टेस्ट करके देखो ये कैसा लगता है, उसके बाद बताना। तो कल चाउमीन बनाए थे, आज मैगी दूसरे स्टाइल में बनाए हैं। तो कृपया कर भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। उम्मीद टिका हुआ है आप ही लोग पे, और चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा। देख सकते हैं तीनों जन अब ले आए हैं, अब टेस्ट करके देखते हैं। पहले हम ही टेस्ट करा, मेरा बेटा तो यहाँ आड़ू अच्छा बना है, और बेटे से पूछ लेते हैं अच्छा है पक्का, अच्छा बना बाबू, अच्छा अच्छा लगा, अच्छा लगा, पक्का पक्का पक्का। तो दोस्तों देखिए मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, 1 से 1.5 साल की होगी, उसको भी अच्छा लगा। तो इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात और कहना हम चाह रहे हैं दोस्तों, कृपया कर दिल पे मत लीजिएगा। बहुत लोग का हम देखते हैं क्या आदत होता है, जैसे आज बृहस्पति है तो साईं बाबा का दिन है, सभी लोग साईं बाबा को मानते हैं, तो हम कहते हैं यार धर्म को बीच में मत लाओ। तो वो अगर कुछ चीज़ डालें यूट्यूब फेसबुक इंस्टा कुछ चीज़ पे, तो ये लिखते हैं कि ये अगर 10 लोग को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो कल हो के आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा बिजनेस में, दिस दैट, नहीं तो किसी के परिवार से कुछ हादसा घटेगा। तो यार एक चीज़ कहना है, धर्म को बीच में मत लाओ भाई, धर्म को बीच में इसलिए मत लाओ कि अपने बलबूते, ठीक है भगवान तो हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ धर्म को लेकिन बीच में कभी नहीं लाना चाहिए कि 10 लोग को शेयर कीजिए। क्या भगवान ऊपर से उतर के बोल रहे हैं कि 10 लोग को आप शेयर कीजिए? क्या भगवान आए थे कहने कि 10? अरे यार आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास, जिस आदमी को अंदर मन में विश्वास है वो बोलेगा हर हर महादेव, और देवों का देव महादेव बहुत बड़े भगवान हैं, इनके आगे किन्हीं का नहीं चलता है, समझे? तो वो धर्म को बीच में ना लाए तो ही अच्छा है। तो कृपया कर अगर कोई दिल पे लिए हैं यार सॉरी, दिल पे ना लें, और इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, दिल पे ना लीजिएगा। चलिए माफ़ी मांगते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत माता, हर हर महादेव।